हे ब्यूटीफुल, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दो दिनों से बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, तो बारिश के टाइम स्किन थोड़ा सा चेंजेस होते हैं वेदर के अकॉर्डिंग। तो आज के वीडियो में स्किन केयर रूटीन शेयर करूंगी, टीनेजर्स के लिए भी है एंड एडल्ट्स के लिए भी एंड अबव 30+ बहुत ईजिली इसे फॉलो कर सकते हैं। तो फर्स्ट है फेस वॉश। तो ये है लोटस हर्बल्स का फेस वॉश। ये अपने 100% पिगमेंटेशन स्किन को रिमूव करती है। इसके अंदर है नीम एंड तुलसी, गुड फॉर एंटी एजिंग। स्किन ब्राइटनेस को लेवल करेगा, इम्प्रूव करती है स्किन को एंड हाइड्रेट करती है एंड स्किन टोन को इवन टोन करती है। जस्ट वॉशिंग माई फेस, देखो कितना ज़्यादा क्लीन हो चुकी है। घर पे लाइट नहीं थी तो मैं बाहर ही शूट कर रही हूँ। अब सेकंड स्टेप है कोई भी फेस पैक, तो मैं यहाँ पर ऑल्स गुडनेस का उपटन फेस पैक यूज़ कर रही हूँ। तो इसके अंदर बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स हैं, जैसे कि हल्दी है, सैफ्रॉन है, बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि स्किन को बहुत ज़्यादा ब्राइटनिंग करती है, लाइटनिंग करती है एंड स्किन पर जितने भी दाग धब्बे हो सबको रिमूव करती है। तो देखो ऐसे लगा कि 30 मिनट्स रखना है सुखाने के लिए। बजट फ्रेंडली है, ऑल स्किन टाइप इसे यूज़ कर सकते हैं एंड ऑल स्किन टाइप के लिए सुइटेबल भी है। अपनी स्किन के पीएच बैलेंस को ठीक करती है, स्किन को इम्प्रूव करती है एंड सेकंड स्टेप इस मास्क के बहुत ही नेचुरल तरीके से बनी हुई है। बस आपको ऑल गुडनेस का कोई भी पाउडर लेना है। मैं यहाँ पर करी लिप्स एंड रोज पेटल्स लिप्स एंड सैंडलवुड पाउडर मैं यहाँ पर यूज़ करूँगी एंड रोज़ वाटर ऐड करके एक मिक्स करके एक अच्छा सा पैक बना लूँगी। ये होममेड है, इसे डेली टू यूज़ है, ऑल स्किन टाइप इसे यूज़ कर सकते हैं। स्किन को ब्राइट करती है, लाइटनिंग करती है एंड स्किन को बहुत ज़्यादा सॉफ्ट एंड हाइड्रेट करती है एंड इस समर के टाइम एंड ऐसे वेदर के टाइम इसे मस्ट यूज़ करना है गाइस। बस इस पैक को फेस पे ऊपर ऐसे लगाना है एंड लगा के सुखाना है, फिर स्किन पे जितने भी दाग धब्बे हैं ना सब कुछ रिमूव हो जाते हैं। स्किन को बहुत ही इवन टोन करती है। ऐसे वेदर चेंजेस के कारण स्किन बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाती है, तो स्किन को बहुत ज़्यादा सॉफ्ट एंड हाइड्रेट भी करती है एंड इसके नेचुरल प्रोडक्ट है, इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। अगर आपका फेस पे एक्ने है तो उसे भी ठीक करेगी एंड लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, प्लीज़ डू चेक इट आउट। एंड 30 मिनट फेस के ऊपर ऐसे रख के फेस को वॉश कर लेना है गाइस। फिर वॉशिंग माई फेस, आप देख सकते हो इसका जादू, स्किन कितना ज़्यादा लाइटनिंग एंड ब्राइट कर रही है। मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है नेचुरल चीज़ें यूज़ करना। एंड सेकंड स्टेप है, मैं थोड़ा सा स्किन केयर कर लूँगी। आप आ रही है टोनर की, ये है गुड वाइब्स का ट्रीटी फेस टोनर, बजट फ्रेंडली है, ऑल स्किन टाइप के लिए सुइटेबल भी है। थोड़ा सा अमाउंट में आपको लेना है एंड स्किन के ऊपर ऐसे डैप डैप कर लेना है। तो इसी टाइम स्किन एकदम डैम रहते हैं तो टोनर स्किन के अंदर तक जाके स्किन को सॉफ्ट, हाइड्रेट एंड फ्रेश फील करती है। तो इसे हमेशा स्किन के रूटीन में इंक्लूड करना चाहिए। एंड नेक्स्ट है फेस सीरम, ये है गुड वाइब्स का पपाया फेस सीरम। तो अभी अभी मेरे फेस के ऊपर बस दो ही पिंपल है, तो उसे ठीक करने के लिए मैं इस टाइम इसे यूज़ करती हूँ। ये ऑल स्किन टाइप के लिए बजट फ्रेंडली है एंड इसका टेक्स्चर बहुत ही वाटर बेस्ड इसका टेक्स्चर है, इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। स्किन पर जितने भी दाग धब्बे सबको क्योर करती है, सॉफ्ट एंड हाइड्रेट करती है। तो नेक्स्ट है मॉइस्चराइजर, है पोन सुपर लाइट जेल। तो इसमें हेलोरोनिक एसिड है, दिस ग्रेट फॉर एक्नी। स्किन पे जितने भी दाग धब्बे होते हैं सब कुछ उठ जाते हैं एंड ऑल स्किन टाइप के लिए बजट फ्रेंडली भी है एंड डेफिनेटली आपको स्किन का रूटीन में इसे इंक्लूड करना चाहिए, इसे कभी भी स्किप नहीं करना। एंड इसी वेदर के टाइम स्किन एकदम डैम होती है, डल हो जाती है, तो पीएच लेवल को ठीक करने के लिए हमेशा मॉइस्चराइजर यूज़ करना चाहिए। एंड नेक्स्ट है सनस्क्रीन, सनस्क्रीन चाहे रात हो सुबह हमेशा सनस्क्रीन यूज़ करना चाहिए। ये है लैक्मे का सनस्क्रीन, टू फिंगर टिप्स में यूज़ करना है एंड इसे अच्छे तरीके से मसाज करना है। एंड लैक्मे का सनस्क्रीन बहुत ही अच्छी है, ऑल स्किन टाइप के लिए है एंड इजी टू ब्लेंड है, एकदम स्किन बहुत ज़्यादा ग्लोई एंड ब्राइट जैसे लगती है एंड मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। सो डियर, आप देख सकते हो मेरा स्किन पहले से कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है, ब्राइट कर रही है एंड ग्लोई प्रोवाइड कर रही है, मुझे ना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो आप भी ऐसे स्किन केयर ज़रूर फॉलो करना एंड स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं। एंड लास्ट में वैसलीन सिमिलर लिप्स को सॉफ्ट कर लूँगी, हाइड्रेट कर लूँगी। सो डियर, आज के वीडियो में जितने भी प्रोडक्ट मैं यूज़ करी हूँ सबका परचेस लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे डाल दूँगी, मेक श्योर वहाँ से चेकआउट कर लेना एंड मुझे कॉमेंट करके बताना आपको ये वीडियो कैसा लगा। और ऐसे अमेजिंग वीडियो के लिए वीडियो को लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। सी यू टू नेक्स्ट वीडियो, स्टे फिट एंड ब्यूटीफुल।